अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बाज और इस वक्त आप देख रहे हैं ईटेक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम वाइस को कम्प्लीटली देखेंगे, ठीक है। इसकी जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा सारी चीज़ें कवर कर लूं कि किस तरह से अगर आप रेफरल प्रोग्राम में ऐड होना चाहते हैं, किस तरह से अगर आप अपने फ्रेंड्स को ऐड करके पैसे कमा सकते हैं, कितने मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आप कहीं से पैसे मंगवाना चाहते हैं अपने वाइस अकाउंट के अंदर, अगर अगले बंदे के पास वाइस अकाउंट है तो आपने कौन सी डिटेल देनी है, अगर वाइस अकाउंट नहीं है तो कौन सी डिटेल देनी है, अगर भेजने वाला बंदा यूएसए है तो आपने कौन सा अकाउंट देना है, अगर नॉन यूएसए यानी कि यूएस के अलावा किसी भी कंट्री में तो कौन से आपने अपने डिटेल देनी है, हर चीज़ हम डिटेल के साथ देखेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं मोबाइल के अंदर यूज़ करूँगा, ठीक है। एक और मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें लैपटॉप का टोटली यूज़ करूँगा, ठीक है। यानी कि अगर आप सिर्फ लैपटॉप को यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए अलहदा से वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आज की वीडियो के अंदर मैं मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर बना के दिखाऊंगा कि अगर आपके पास सिर्फ मोबाइल है तो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इससे किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये ट्यूटोरियल स्पेशली बिगनर के लिए है, आपको मैं हर चीज़ कोशिश करूँगा कि हर चीज़ क्लियर हो जाए। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आप वॉइस को कम्प्लीटली यूज़ करना सीख जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को हम बगैर किस टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि वॉइस से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ होती हैं उनके लिए मैं एक अलग से प्ले लिस्ट बना चुका हूँ जिसके अंदर आपको हर टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। आपको जिस जिस टॉपिक की जरूरत पड़ सकती है उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने वो लाजमी विजिट करनी है। तो अगर आपने वॉइस का अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप वो भी उसी प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस के अंदर देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपना वॉइस अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो वॉइस अकाउंट जो है हमारा सिंपली वैसे ही ओपन हो जाता है। इसके अंदर अगर हम फिंगर ऐड करना चाह रहे हैं कि हमारा फिंगर के साथ ओपन हो तो वो भी कर सकते हैं, इसी वीडियो के अंदर हम देख लेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से बात करते हैं कि यहाँ पर ये यह आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है। जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ से आपकी पर्सनल डिटेल मिल जाती है। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने पहला पासवर्ड देना है, मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर दे के कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मेरी पर्सनल डिटेल आ रही है यहाँ से अगर मैं इसको एडिट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर आप एडिट करेंगे तो वो वेरिफिकेशन मेरा मांग सकते हैं, तो आपने ये एहतियात करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं गेट अ बिजनेस अकाउंट के एक ऑप्शन। अगर आप अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर ओपन नहीं होता, कुछ कंट्रीज़ के अंदर होता है। अगर आप यूएस के अंदर हैं तो ये लाजमी ओपन कीजिए, ठीक है, ये आपके काफ़ी काम आएगा फिर, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कंट्री और सिलेक्ट डॉक्यूमेंट, आप LLC पे बना रहे हैं किसी भी, यानी कि अगर आपका US का LLC है तो आप उस पर बना सकते हैं। इसी तरह से आपने कोई कंपनी में है तो आप बिजनेस अकाउंट बना सकते हैं, अदरवाइज पर्सनल अकाउंट में भी काफ़ी फीचर होते हैं, हमारे लिए वो भी इनफ है पाकिस्तान के अंदर रहते हुए। और अगर आप अमेजोन पर काम कर रहे हैं तो आपको बिजनेस अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो वो आप जब LLC वगैरह बनाएंगे US की तो उसी डिटेल पे बिजनेस अकाउंट आपका बन जाता है। इसके बाद यहाँ से बात आ जाती है सेटिंग्स की, तो हम सेटिंग्स में देख लेते हैं। यहाँ से नोटिफिकेशन सेटिंग आती है, रेट द ऐप, आवर एग्रीमेंट, आवर स्टोरी, यानी कि इनके रिलेटेड है। यहाँ से आप इनका जो है ये नाइट मोड जिसको बोलते हैं, डार्क मोड भी कहते हैं, ये वाला यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसको ऑटो पे लगा सकते हैं। ऑटो पे लगाने से ये होगा कि आपके जो मोबाइल की सेटिंग है, यानी कि अगर आप मोबाइल में ऑटो अपने डार्क मोड ऑन किया होगा तो ऑन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से नोटिफिकेशन आ जाते हैं, नोटिफिकेशन के अंदर आप अलाउ कर सकते हैं कि कौन कौन सा नोटिफिकेशन आप रिसीव करना चाहते हैं और कौन सा नोटिफिकेशन रिसीव नहीं करना चाहते। यहाँ पर आपको ये कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। यहाँ से मैं इसको बैक जाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से सेटिंग ऑलमोस्ट सिंपल ही है, आप देख लीजिएगा। एग्रीमेंट, रेट दैप और आवर स्टोरी के बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बैक आने के बाद यहाँ पर आपको एक हेल्प का ऑप्शन मिलता है। तो हेल्प का ऑप्शन यूज़ होता है अगर आपको किसी भी जगह पे प्रॉब्लम हो, अगर आपके किसी ट्रांजैक्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आपको कोई और मसला हो तो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप आर्टिकल सर्च कर सकते हैं कि पहले जो प्रॉब्लम लोगों को कॉमन आती रही है उस पर आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, ठीक है। अभी जो रिसेंटली जो मेरी हुई है ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो हो रही है, यहाँ पर व्यू ऑल का ऑप्शन भी है। अगर मैं अपनी आर ट्रांजेक्शन देखना चाहूँ तो जैसे रिसेंटली पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ देख सकते हैं ट्रांसफर हैव नॉट रिसीव्ड येट, यानी कि आपको जो भी मसला है आप यहाँ पर देख सकते हैं। वो वॉइस की जो हेल्पलाइन है बहुत ही ज़बरदस्त है, विद इन 12 घंटे रिप्लाई करती है और अच्छा रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। अच्छा, इन सब में से अगर आपको कोई मसला ना हो तो अगर आप कोई वैसे कॉमन क्वेश्चन करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर अगेन कह रहा है कि इनमें से कोई मसला है या कोई और मसला है तो हम इन्हें बताना है कि मुझे किस चीज़ में मसला है। तो यानी कि वेरिफिकेशन में कोई मसला आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, सेंडिंग मनी में मसला आ रहा है करेंगे, वाइज अकाउंट इसी तरह से
मैनेजिंग माई अकाउंट आ गया, होल्डिंग, सेविंग मनी एंड स्टॉक्स, यानी कि जिस चीज़ में भी हमें मसला हुआ हम बता सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आई एम वेटिंग टू सेव मनी, इस तरह का जो मसला यहाँ से बता सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो यहाँ से समथिंग एल्स पे क्लिक कर सकते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पर हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन कुछ चैट विद अस और कॉल अस का अक्सर ऑप्शन नहीं मिलता हमें, ठीक है। हमें मोस्टली मिलता है ई मेल आज का, तो हमने ई मेल करना है उनको सेंड, और ई मेल पर ही हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। ई मेल कैसे सेंड करते हैं, यहाँ से हमने ई मेल आज के ऊपर क्लिक करना है, मैसेज लिखना है, अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते कर दें, और मैसेज सेंड मैसेज पर क्लिक करेंगे तो आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। तो आपको जो है एक रिस्पॉन्स मिलता है आपके जी मेल अकाउंट के ऊपर, लाजमी मिलता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से कॉन्टैक्ट अस की बात होगी, हेल्प हो गया, यहाँ से प्राइवेसी और सिक्योरिटी वगैरह के आ गया। अगर आप अपनी प्राइवेसी या सिक्योरिटी के रीज़न को करना चाहते हैं, यूज़ फिंगरप्रिंट टू लॉग इन, जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर आप फिंगरप्रिंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से अभी मैं ऐड कर ही देता हूँ बल्कि, ठीक है। अब यहाँ से मेरे अकाउंट में मुझसे पासवर्ड पूछेगा, यहाँ से हमने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और हमने अगेन रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पे एक प्रोटेक्ट योर अकाउंट विद बायोमेट्रिक यस कर देना है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मसला आया हुआ है, पहले भी मैंने इसको एक दफ़ा ट्राई किया था लेकिन ये ऐड नहीं हो रहा था, ये वापस उसी पेज पर आ जाते हैं। देखिए, इनेबल नहीं हो रहा, ठीक है। चलो, इसमें कोई मसला होगा ट्राई कर लीजिएगा, शायद आपके जरूरत में ये काम कर दे, या फिर ऐप की अपडेट आई होगी शायद उसकी वजह से हो, कोई ना कोई रीज़न हो सकता है, लेकिन इस वक्त इनेबल नहीं हो रहा। अच्छा, यहाँ से अगर पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, ईमेल की सेटिंग यहाँ पर मिली है, अगर आप इसको नीड टू चेंज योर ईमेल, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये आपसे तमाम तरह की वेरिफिकेशन मांगेगा। फिर अगर ईमेल या नंबर आप कोई भी चीज़ चेंज करें तो आपसे ये वेरिफिकेशन वगैरह मांगते हैं, जो कि जिनका आपने देना होता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे हो तो ध्यान से बनाएं कि आपको बाद में कोई चीज़ चेंज ना करनी पड़े। तो यहाँ से चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, अगर आप यहाँ से करंट पासवर्ड लिख के, न्यू पासवर्ड लिख के, चेंज पासवर्ड पर क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड आसानी से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से है टू स्टेप लॉगिन। टू स्टेप लॉगिन आप किस तरीके से कर सकते हैं, टू स्टेप लॉगिन में आप जो है एक बैकअप नंबर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आपका जो यहाँ पर एक नंबर होता है यहाँ पर आपको नजर आएगा, ठीक है, जिस नंबर पे आपने वॉइस का अकाउंट बनाया था उसी की वो वाला ऑप्शन भी होता है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन होते हैं, और यहाँ पे इसके बाद भी लाइक लॉग आउट एवरीवेयर, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ सस्पिशियस लगे कि किसी ने आपकी जो है अकाउंट डिटेल हैक की है, या फिर आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन लीक हुई है, या फिर आपको ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया कि किसी और डिवाइस के अंदर आपका अकाउंट लॉगिन हुआ है, तो आप इस पर क्लिक करके अपने मोबाइल के अलावा तमाम जगह से इसको लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है क्लोज अकाउंट का, अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ से अपना अकाउंट जो पहले खाली कर लें। अगर आप अपना अकाउंट क्लोज करना चाह रहे हैं तो आसानी के साथ अपना अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, वैसे आपको जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है वाइस में तो आप इस अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी प्राइवेसी पॉलिसी आ गई थी, इनकी पॉलिसीज वगैरह होंगी, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज को भी नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं कॉन्टैक्ट ऑन वाइस, जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से कुछ और ऑप्शन होंगे कि स्कैन माई योर कॉन्टैक्ट, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा तो मेरे मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं यहाँ पर वो शो हो जाएंगे कि किस किस ने वाइस का अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ से मैं इसको अलाउ करता हूँ, ठीक है। तो अभी जो है ये स्कैन होना शुरू हो जाएंगे, तो बाद में जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप जो ऑलरेडी सेव आपके कॉन्टैक्ट में उनमें से किसी को सेंड नहीं करना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे किसी दोस्त ने जो है अकाउंट बनाया हुआ तो मुझे लाजमी नहीं है कि उसका ईमेल वगैरह पता हो, मैं डायरेक्टली वहाँ से कॉन्टैक्ट के अंदर से सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको ईमेल और फ़ोन नंबर मिल जाएगा। इसका क्या मतलब, पीपल ऑन वाइस कैन फाइंड बाय यू, अगर इन दोनों को आप ऑन रखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई आपको पैसे सेंड करना चाहता है तो उस वक्त आप अपना नंबर भी उसको दे सकते हैं, ईमेल भी दे सकते हैं। अगर दोनों को ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर सकते हैं, दोनों नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट एक ऑन रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके ईमेल के ऊपर कोई पैसे ना भेज सके, सिर्फ फ़ोन नंबर के ऊपर भेज सके, तो आप एक चीज़ ऑन रखें, दूसरी को ऑफ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक आएगा रिमूव योर सेल्फ एज अ कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर आपके कॉन्टैक्ट में आपका खुद का नंबर भी सेव है तो उसको यहाँ रिमूव कर दें, कोई इतना बड़ा ऑप्शन नहीं है, इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से प्राइवेसी एंड इसमें हो गया सारा कुछ। अभी लॉग आउट का आप बताइए कि यहाँ से अकाउंट मेरा लॉग आउट हो जाएगा। मेंबरशिप नंबर, अगर ये मेरे अकाउंट का मेंबरशिप नंबर है, अगर कभी कस्टमर सपोर्ट वाले आपसे मांग लेते हैं कि आपका मेंबरशिप नंबर क्या है तो आप ये नंबर दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ से लीड बैक वाले पेज पे जाते हैं। अभी ये वाला जो हमारा प्रोफाइल का ऑप्शन है ये कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अर्न 50 यूरो,
ठीक है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको आपका जो इनवाइट लिंक है वो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा, जो उस लोगों को क्या फ़ायदा होगा, उन लोगों को फ़ायदा होगा कि आप फी फ्री ट्रांसफ़र अप टू 500 यूरो व्हेन दे साइन अप विद योर लिंक। यानी कि अगर आपके लिंक के साथ कोई, फॉर एग्जाम्पल मेरे लिंक के साथ अगर कोई अकाउंट रजिस्टर करेगा तो उस तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आप 500 यूरो, 1 यूरो ऑलमोस्ट 265-270 रुपये का है, आप अंदाज़ा लगा लिए 500 यूरो कितने बनते हैं, ठीक है। इतने तक की ट्रांजेक्शन आप बिल्कुल फ्री कर सकते हैं आप बगैर किसी टैक्स के, ठीक है। और आपके ज्वाइन करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, मुझे 50 यूरो मिलेंगे जब 3 फ्रेंड 200 यूरो से ज़्यादा सेंड करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपने मेरा जो है इसे लिंक से ज्वाइन किया, आपने मेरे लिंक से को बनाया अकाउंट, तो आपको ये फ़ायदा होगा, मुझे ये फ़ायदा होगा कि अगर आप में से कोई भी 3 बंदे 200 यूरो से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करेंगे तो मुझे 50 यूरो मिल जाएंगे। लेकिन ऑलमोस्ट 200 यूरो की ट्रांजैक्शन मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों में से कोई करने वाला है, तो समझ लें कि जिसका लिंक है उसको ना होने के बराबर फ़ायदा है। लेकिन आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप अपने 3 फ्रेंड से अकाउंट बनवा सकते हैं और उनसे 200 यूरो सेंड करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि सेम करेंसी ट्रांजैक्शन डोंट अप्लाई, ठीक है। अगर मतलब ऐसा नहीं है कि आप यूरो से यूरो में सेंड करें, ऐसा नहीं हो सकता, आपने यूरो से किसी और करेंसी में सेंड करना होगा जिसकी टैक्स भी काफ़ी बढ़ते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर आप 200 यूरो की 3 ट्रांजेक्शन के 3 फ्रेंड से ट्रांजेक्शन कराएंगे तो शायद टैक्स वगैरह में ही 30-40 यूरो तो काट ही जाए, यानी कि आपको 20-25 यूरो ही बचने हैं। तो इसलिए ये कोई इतने काम का फीचर नहीं है, ये सिर्फ उसी वक्त काम आता है जब अगर आप यूट्यूबर हैं। अगर आप कोई 200-300 लोगों को मतलब अपना इनवाइट से करवा दें ज्वाइन, शायद 200-300 में से कोई अपनी मर्जी से ही जिसको ट्रांजेक्शन वगैरह करनी हो तो उसको आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज इससे इतना फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। क्योंकि मैंने इस पर वीडियो बनाई थी तो मुझे इतना फ़ायदा नहीं हुआ। अब यहाँ ट्रैक इनवाइट्स में आकर देख सकते हैं कि किस किसी ने ज्वाइन किया है, तो अभी तक 2 लोगों ने ज्वाइन किया है लेकिन अभी तक किसी ने भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं की, तो हैज़ नॉट मेड अ क्वालिफाइड ट्रांसफ़र या नहीं बनाई, इसका मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम अर्न की, तो समझ आ गई होगी कि इसमें आप इतना खास अर्न नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से इसके बाद आते हैं नोटिफिकेशन, अगर कोई भी किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ से आपको वो रिसीव हो जाता है, ठीक है, सिर्फ इम्पोर्टेंट होते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ना यहाँ पर अभी आपकी करेंसी नजर आएंगी, अभी मेरे पास में सिर्फ मैं पाकिस्तानी रुपी यूज़ करता हूँ और US डॉलर यूज़ करता हूँ। अगर आप इस करेंसी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं कि अगर आप इसको सेंड करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं, कन्वर्ट का मतलब यह है कि इस अकाउंट से आप दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट अ पेमेंट, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, गेट अ प्रूफ ऑफ अकाउंट डिटेल, अगर आप अपने अकाउंट की प्रूफ लेना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको किसी जगह पर यहाँ पर दिखाना पड़ जाए कि आपने आपका कोई बैंक अकाउंट वगैरह है तो आप ये दिखा सकते हैं। यहाँ पर ये देखें कि ये प्रूफ डाउनलोड हो चुका है, ये मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा सकता सिक्योरिटी रीजन की वजह से, आप अपना ओपन करके देख लीजिएगा कि कैसा नज़र आता है, ठीक है। जैसे आप सेंड कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट यानी कि अगर USD को आप PKR में कन्वर्ट करना चाहते हैं, PKR को USD में करना चाहते हैं, इस तरह से किसी भी करेंसी को किसी में भी कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये उस वक्त काम आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है योर USD अकाउंट डिटेल, ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके अकाउंट की यहाँ से डिटेल मिल जाएगी। तो यहाँ से आपका ACH का रूटिंग नंबर मिल रहा है, वायर रूटिंग नंबर मिल रहा है और अकाउंट नंबर मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से वो बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपको और इतना टैक्स लगता है, लेकिन ये मोस्टली इतना टैक्स वगैरह नहीं लगता, ये सिर्फ स्टार्ट में बता रहे हैं और ये इनसाइड द US है, ठीक है। आप ये देखें इनसाइड द US के लिए आपके अकाउंट की डिटेल ये होगी, अगर आप US से बाहर से पेमेंट करना चाहते हैं तो आपकी डिटेल कुछ चेंज होगी, ठीक है। इसमें स्विफ्ट PIC वायर रूटिंग नंबर इस तरह की चीज़ें भी आ जाएंगी, वायर एड्रेस भी आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि ये डिटेल उस वक्त काम आती है अगर अगला पेमेंट सेंड करने वाला बंदा वाइज यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। अगर तो वो वाइज यूज़ कर रहा है तो उसको आपने सिंपली अपना ईमेल या नंबर देना है जिस पे वाइज का अकाउंट बना हुआ है। अगर वो बंदा नंबर या फिर सॉरी अगर वो बंदा वाइज यूज़ नहीं कर रहा तो फिर आपको ये डिटेल सारी देनी पड़ती है, यानी कि US का कोई बंदा है उसका कोई भी अकाउंट नंबर हो किसी भी बैंक में हो, ठीक है, आप उसको ये डिटेल देंगे तो वो अपने बैंक से आपके वाइज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेगा, ठीक है। तो आपकी होपफुली इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने दूसरे कंट्री से पैसे मंगाने हैं, आपको किस वक्त कौन सी डिटेल देनी है। अगर तो वो US का बंदा है तो इनसाइड वाली यूज़ के लिए ये आपने बात जहन में रखनी है, ठीक है। अगर वो US के अलावा किसी जगह का बंदा है तो आपने ये वाली डिटेल देनी है, ठीक है। अकाउंट होल्डर नेम यही होगा, यहाँ पर बाकी डिटेल भी है तो जो जो डिटेल जरूरत पड़ सकती है यहाँ पर वो सारी डिटेल
गई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से मैं इसको भी क्लोज कर देता हूँ। इसी तरह से बाकी करेंसीज हैं। अगर आप कोई नई करेंसी ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा सेंड रिसीव एंड स्पेंड मनी, सेट इन साइड मनी फॉर व्हेन यू विल नीड इट। अच्छा, ये होता है कि आप इसके अंदर मनी डालते जाएं, बस ये भी इसी तरह ही है। यानी कि जैसे यहाँ पे ओपन है, इसको आप ओपन कर लें। ये स्पेशली उस वक्त यूज़ होता है कि जब आपकी करेंसी स्टेबल ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर पाकिस्तान की करेंसी स्टेबल नहीं है, मोस्टली यही काउंट होता है कि पाकिस्तान की करेंसी काफ़ी कम स्टेबल है, यानी कि इसका रेट अक्सर कम ही होता है, बढ़ता बहुत कम है। यानी कि डॉलर की आपने कीमत देखी होगी, हमेशा बढ़ती रहती है, कम नहीं होती रहती। तो इसलिए अगर आप जार को ओपन कीजिए और इसके अंदर एक US का अकाउंट बनाइए और उसके अंदर आप अपने डॉलर्स वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से बैलेंस अगर किसी और करेंसी में करना चाहते हैं, अगर यहाँ से आ जाएगा सर्च फॉर करेंसी, किस करेंसी में करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये काफ़ी करेंसीज हैं, आप किसी भी करेंसी में कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको न्यूजीलैंड डॉलर की ज़रूरत पड़ती है, न्यूजीलैंड से आपको कोई डॉलर वगैरह भेजते हैं, या फिर आप न्यूजीलैंड के किसी बंदे को पैसे भेजना चाहते हैं, तो यहाँ से ये डिटेल मिल गई। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वांट टू रिसीव न्यूजीलैंड डॉलर, तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये आ गया सारा कुछ, फिल इन कम्प्लीटेड आ गया। अच्छा, क्योंकि मैंने ये अकाउंट अभी भी क्रिएट किया, यहाँ पर अभी जो है मेरी डिटेल ओपन नहीं हो रही, एवरीथिंग यूनिट बैलेंस में भी शो अप किया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अभी मेरे अकाउंट की डिटेल हो जाएगी। न्यूजीलैंड से आप करेंसी मंगाना चाहते हैं तो वहाँ वो आप कर देंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ से मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ से आप गेट प्रूफ ऑफ अकाउंट डिटेल, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ से एक स्टेटमेंट डाउनलोड होगी। हम इसको ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, तो मैं इसको आप प्रूफ को दिखा नहीं सकते। यहाँ पर मेरा अकाउंट नंबर वगैरह लिखा हुआ है और बताया हुआ है कि वाकईतन मेरा वाइस के ऊपर एक अकाउंट है और वाइस ने एड्रेस न्यूजीलैंड का यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा। अब देखें, न्यूजीलैंड ब्रांच यहाँ पर लिखा हुआ, न्यूजीलैंड ब्रांच, यानी कि ये जो है वाइज न्यूजीलैंड के इस वक्त एड्रेस यूज़ कर रहा है। यानी कि अगर इस वक्त आप न्यूजीलैंड से कोई पैसे वगैरह मंगाना चाहते हैं तो इस जगह की डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से आप मज़ीद ओपन कीजिए, आपको यहाँ से बैलेंस पे आइए। बेहतर तरीका यही है कि आप इनमें से जिस करेंसी में पैसे मंगाना चाहते हैं, करेंसी विदाउट अकाउंट डिटेल। अच्छा, ये वाली जो करेंसीज है ना नीचे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, इनके आपको अकाउंट डिटेल नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि इनके ऊपर आप पैसे नहीं मंगवा सकेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ये वाली जो करेंसीज हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आलमोस्ट 7-8 बनती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर आप पैसे मंगवा सकते हैं, इनको आपका अलग अलग अकाउंट मिलेंगे। यानी कि आप अगर इन सब में अकाउंट ओपन कर लें तो इसका मतलब ये होगा कि आपका ऑस्ट्रेलिया में भी एक बैंक अकाउंट है, ऑस्ट्रेलिया से कहीं से पेमेंट ले सकते हैं, ब्रिटिश में आपका बैंक अकाउंट है, कैनेडा में है, यूरो में है, इसी तरह आपका सारे कंट्रीज़ में आपके एक एक बैंक अकाउंट के तौर पे काम करेगा, क्योंकि वहाँ का आपको एक एड्रेस मिल रहा होगा बैंक का, ठीक है। उस जगह पर बैंक है आपका, वहाँ पर आपको बैंक के अकाउंट डिटेल मिल रही होगी। अच्छा, होपफुली आपको इस चीज़ को समझ आ गया होगी कि चूज़ अ बैलेंस टू ओपन का क्या मतलब है। यानी कि यहाँ वहाँ उस जगह पर आप किसी चीज़ का अगर अकाउंट बना रहे हुए हैं, किसी वेबसाइट पर अकाउंट अगर बना रहे हुए हैं, तो उनको बता सकते हैं कि मेरा न्यूजीलैंड के अंदर अकाउंट है, मेरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकाउंट है, आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। और आप अपना प्रूफ भी दे सकते हैं, क्योंकि वो बैंक की डिटेल वगैरह भी सारा कुछ आपको दे रहे होंगे। लेकिन ये जो नीचे वाली करेंसीज हैं, अगर आप इन करेंसी में पैसे रखना चाहते हैं तो पैसे रख सकते हैं, पैसे रखने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी करेंसी भी यहाँ पे शामिल नहीं है, आपने देखा होगा। तो इसी तरह से मैंने पाकिस्तानी करेंसी में पैसे रखे हुए हैं, लेकिन मुझे कोई पाकिस्तान के बैंक की डिटेल नहीं मिली जिसके ऊपर मैं पैसे रिसीव कर सकूँ, ठीक है। बैंक की डिटेल सिर्फ इनकी ही मिलती है। डिटेल कैसे मिलती है वो भी मैंने स्टार्ट में बताया था, मैं एक दोबारा बता दूँ। जैसे US डॉलर की बात करें तो हम US डॉलर पर क्लिक करके यहाँ से हमने यहाँ पे आके योर USD अकाउंट डिटेल इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए मेरे USD अकाउंट की डिटेल मिली, इसी तरह से आपको न्यूजीलैंड की मिल जाएगी। इस वक्त अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब जैसे अवेलेबल होगी तो यहाँ पर शो हो जाएगी। अच्छा, योर न्यू अकाउंट डिटेल, अच्छा यहाँ पर अकाउंट डिटेल आ गई है। देखिए वीडियो बनाते बनाते सारी न्यूजीलैंड की उसकी डिटेल आ गई है। अभी यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, अकाउंट नंबर दिया गया है, अकाउंट होल्डर का नाम दिया गया है और वायर्स एड्रेस दिए गए। यानी कि न्यूजीलैंड के अंदर कोई भी इस IBAN नंबर के ऊपर पैसे भेजेगा मुझे, तो मुझे इसके अंदर रिसीव हो जाएंगे। सर, आउटसाइड द न्यूजीलैंड भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने न्यूजीलैंड के डॉलर रिसीव कर लिए, अगर आप चाहते हैं कि इनको बाद में मैं अब यूएस डॉलर के अंदर कन्वर्ट करूँ, तो यहाँ से आपको कन्वर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी तो कह रहे हैं कि आपको बैलेंस ऐड करने की जरूरत है, लेकिन जब बैलेंस ऐड होगा तो मैं अभी यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तानी करेंसी, इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप किस करेंसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर इनकी कुछ फीस वगैरह भी होती है, वो आपको फीस वगैरह भी बता देंगे, तो यहाँ से आप एक करेंसी से दूसरी करेंसी में आसानी कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है रिसीव इनकम वगैरह का। यहाँ पर क्योंकि मेरे दो अकाउंट हैं, यहाँ पर वही वाले शो हो रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। यहाँ पर ऊपर थी ट्रांजेक्शन वगैरह थी जो मैंने रिसेंटली की हुई है, तमाम ट्रांजेक्शन देखना चाहते हैं तो सीआर पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये यह डॉलर का कंपेरिजन वगैरह बता रहे हैं कि 1,000 रुपये का कितने डॉलर के इक्वल होते हैं, आप यहाँ से देख वगैरह सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको इन चीज़ों की समझ पा गई। अभी नीचे वाली चीज़ें रह गई, इनको भी हम देख लेते हैं। होम पेज पर ये सारा हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके बाद कार्ड आ जाते हैं। कार्ड जो है हम पाकिस्तान के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप किसी और कंट्री से हैं, किसी सपोर्टेड कंट्री से हैं तो आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप बिजनेस अकाउंट बनाएंगे इसी के अंदर वाइस के अंदर जो जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया था, तो फिर आपको कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन उस वक्त भी आप देख रहे होंगे कि आप पाकिस्तान डिटेल को नहीं बना पा रहे, बल्कि दूसरे कंट्री की डिटेल होंगी, दूसरे कंट्री के LLC वगैरह या LLD वगैरह जो भी हुआ उसी पर बना रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है सेंड का ऑप्शन। इस पर वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, डिटेल वीडियो बनाई हुई है कि आपने एक वाइज से दूसरे वाइज में किस तरह से पैसे ट्रांसफर करने हैं। अच्छा, पहले तो जो ऊपर डॉलर वगैरह की इन्फॉर्मेशन वो थी, अगर आपका वाइज अकाउंट नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये चीज़ें उस वक्त यूज़ होती हैं जब अगर आपका जो रिसीवर है उसका भी वाइज अकाउंट हो। ठीक है, जब उसका भी वाइज अकाउंट हो तो हम यहाँ पर क्लिक करके यहाँ से हम बता देंगे सेम करेंसी है, इंटरनेशनल है। ठीक है, यहाँ से हम उसको पैसे वगैरह का कंटिन्यू करके यहाँ से हम नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये मैं ज़्यादा डिटेल से इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इस पर मेरी डिटेल वीडियो बन चुकी है, उसी प्लेलिस्ट में मौजूद है जिसका मैंने पहले बताया था, जिस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं रेसिपिएंट्स। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा कॉन्टैक्ट ऑन वाइज। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट हैं यहाँ पर वो शो हो रहे हैं। अच्छा, आपको याद हो तो स्टार्ट में मैंने एक कॉन्टैक्ट को स्कैन का ऑप्शन भी बताया था। अभी देखें, इरफान अली जो है ये मेरे कॉन्टैक्ट के अंदर से आया। ठीक है, अब इनमें से ये वाले जो है, ये खासतौर पर ये वाले, ठीक है, वैसे मैंने इनको ऐड नहीं किया होगा, बल्कि ये मेरे कॉन्टैक्ट से स्कैन होकर आया। अगर मैं उसको ऑफ कर दूँ तो यहाँ से मोस्टली 3-4 बंदे रह जाएंगे, क्योंकि मोस्टली मैंने 3-4 बंदों के पैसे सेंड या रिसीव किए हैं। ठीक है, बाकी जो है मेरे कॉन्टैक्ट्स के अंदर से आए हैं। अगर आप इनको पैसे सेंड करना चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ से फॉर एग्जाम्पल इसको सेंड करना चाहिए, यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने किस करेंसी में करना है उस तरह से करके आप इजीली कर लेंगे, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, अगर आप न्यू ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से बाई सेल्फ ऐड करना चाहते हैं, सामान किसी बिजनेस को ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अभी आ जाएगा मैनेज। ठीक है, अभी मैनेज के अंदर आ जाएगा सबसे पहले अकाउंट डिटेल्स, ये वाली वही वाली चीज़ें जो यहाँ पर रिपीट हुई हुई हैं कि आपके कौन से उसकी डिटेल चाहते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि पहले मैंने इसको काफ़ी डीप में डिस्क्राइब किया। ठीक है, एक्सप्लेन किया है। अच्छा, रिसीव बाय ईमेल और फ़ोन नंबर, ये भी वही जो पहले सेटिंग में आ रही थी कि अगर आप यहाँ को ऑफ करना चाहते हैं, यानी कि उनमें से जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सेटिंग्स ना, यहाँ पर उन्होंने उनका शॉर्टकट बना दिया है। अच्छा, रिक्वेस्टेड पेमेंट, अगर आपसे किसी ने रिक्वेस्ट की हुई पेमेंट मंगवाने की तो ये उसके लिए है। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा डायरेक्ट डेबिट, यानी कि अगर आप सेटअप पर डायरेक्ट डेबिट, यानी कि आप इसको सेटअप करेंगे तो आपके अकाउंट से खुद ब खुद पैसे कटेंगे, ये अगर आप इस चीज़ को देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। जिसके बाद आ जाते हैं रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट्स। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है? तो काफ़ी जगह जब आप अपना अकाउंट वगैरह बना रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अमेजोन का अकाउंट बना रहे हैं तो उनको बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो वाइज की स्टेटमेंट बहुत अच्छे से वर्क करेगी। ठीक है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट की एक खसूसियत मैं बता दूँ कि इसकी बहुत ही वैलिड स्टेटमेंट होती है, इतनी ज़्यादा वैलिड होती है कि मैं बाइनेंस का जब अकाउंट बना रहा था तो मैंने 5-6 पाकिस्तानी बैंक ट्राई किए, सब भी रिजेक्ट हो गई थी। ठीक है, और लेकिन जैसे ही मैंने वाइस की दी तो ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर वो एक्सेप्ट हो गई, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लिए कि इसकी स्टेटमेंट कितनी अच्छी आती है। अच्छा, यहाँ पर आता है ऑटो कन्वर्जन का एक ऑप्शन मिलता है आपको, अगर आप एक करेंसी को दूसरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपको कोई पाकिस्तानी करेंसी के अंदर पैसे भेज डिवाइस के ऊपर, लेकिन आप चाहते हैं कि उसको ऑटो कन्वर्ट होकर वो खुद ब खुद यूएस में होती रहे। ठीक है, आप इस ऑप्शन को फिर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट ऑटो कन्वर्जन पे करके यहाँ से आप कर सकते हैं कि किसको किस में चूज़ करना चाहते हैं, इस पर भी आप देख लीजिएगा। और मैं इनमें से ट्राई करूँगा कि जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, उन पर लहजा से डिटेल्ड वीडियो बना दूँ। ठीक है, और वो उसी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि उस प्लेलिस्ट को विजिट करते रहिएगा, वहाँ पर आपके मतलब की बहुत ज़्यादा वीडियोज आपको मिलेंगी।
अच्छा, यहाँ से अभी एक चीज़ मिलती है अकाउंट लिमिट्स की, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये वीडियो खुद को लेंथी हो रही है क्योंकि ये अकाउंट लिमिट्स यहाँ पे शो नहीं कर रहा। आई डोंट नो इंटरनेट का मसला है या फिर इनके एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम है। इस तरह के छोटे मोटे बग्स तो ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में ही होते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। मैंने काफ़ी ट्राई किया कि हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूँ, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे पता है कि मैंने थोड़ी थोड़ी मतलब डिटेल से नहीं बताई। बताई सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिटेल से नहीं बताई। जो चीज़ें मुझे फील हुई कि ज़्यादा डिटेल से बताने की जरूरत थी, उन पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मिसिंग वीडियो लगे कि ये वीडियो भी इस टॉपिक पे होनी चाहिए थी, अगर आप किसी चीज़ में हेल्प की जरूरत है तो आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। अगर आपके वो वैलिड वीडियो ही अगर कोई मतलब ज़्यादा लोग इस वीडियो को चाहते हुए, तो मैं उस टॉपिक पे भी एक लहदा से वीडियो बना दूंगा। होपफुली आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी लाजमी कीजिए। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह निगहबान।